तो मैं रतन भूषण, ट्रेन मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस प्रिंट इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। द सोर्स ऑफ न्यूज इज दैनिक जागरण एंड नवभारत टाइम्स। आयुध वस्त्र निर्माण ने लॉन्च किया ECWCS। आत्मनिर्भर भारत के तहत आयुध वस्त्र निर्माणी ने भी कदम उठाए। फैक्ट्री ने अपने विशेष उत्पाद एक्सट्रीम गोल्ड विंटर क्लोथिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। करीब 7 वर्षों से चल रहे शोध के तैयार किए गए पूर्णतः स्वदेशी यह विशेष ड्रेस माइनस 50 डिग्री तापमान वाले क्षेत्रों में भी सेना के जवानों को सर्दी से बचाएंगी। इस प्रकार के वस्त्रों के लिए अब तक निजी क्षेत्रों पर निर्भरता थी। यह पहला मौका है जब कोई सरकार उपक्रम सेना सुरक्षा बलों के लिए इस तरह के ड्रेस की पूरी तरह से स्वदेशी फार्मूले पर तैयार करने में सफल रहा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के ट्रायल में सैंपल के पास होने के बाद फैक्ट्री प्रबंधन उत्साहित है। अप्रूवल के लिए अब सेना को भी सैंपल भेजे गए हैं। ऑर्डर मिलते ही उत्पादन शुरू हो गया है। वर्ष 1914 में स्थापित आयुध वस्त्र निर्माणी में सदी से बचाव कारगर आधुनिक निर्माण के वस्त्रों का उत्पादन पहली बार होने जा रहा है। OCF ने अप्रैल 2013 में इस प्रोजेक्ट पर शोध शुरू किया था। विगत डिफेंस एक्सपो में इस ड्रेस की पहली बार प्रदर्शित किया गया है। ये है इसकी विशेष विशेषताएं। 7 वर्ष तक चले शोध के बाद विकसित हुए स्वदेशी तकनीक, थर्मल इंसुलेटेड सिस्टम की 3 लेयर से युक्त है ड्रेस, भारत में ही तैयार वृद्धवल फैब्रिक मटेरियल का किया गया है उपयोग, 4.5 किलोग्राम का वजन है, -50 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी कारगर है। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत ECWCS को लॉन्च किया गया है। इसे बनाने में स्वदेशी मटेरियल का उपयोग किया गया है। अभी इस तरह की ड्रेस निजी क्षेत्र में लेनी पड़ रही है। सेना व सुरक्षा बलों के लिए ऑर्डर मिलते ही उत्पादन प्रारंभ कर दिया जाएगा। श्री अनुराग यादव, कार्य प्रबंधक, PRO OCF। इनोवेशन इंडेक्स में भारत पहली बार शीर्ष 50 में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत पहली बार शीर्ष 50 देशों में शामिल हुआ है। भारत ने 4 पायदान की छलांग लगाई और 48वें स्थान पर पहुंच गया। मध्य और दक्षिण एशिया और देशों में वह सूचकांक में शीर्ष पर बना हुआ है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, कार्नेल विश्वविद्यालय और इंसिट बिजनेस स्कूल द्वारा बुधवार को संयुक्त रूप से वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 को सूची जारी की गई। इसके मुताबिक शीर्ष पर स्थिरता बनी हुई है, लेकिन नवाचार का केंद्र पूरब के देशों की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। भारत, चीन, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देश नवाचार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। WIPO ने एक बयान में कहा है कि स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड सूची में आगे बनी हुई है। पहले के 10 स्थानों पर अमीर देशों का ही दबदबा है। भारत के बारे में बयान कहा गया है कि वह नवाचार के क्षेत्र में दुनिया की तीसरी सबसे निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था बन गया है। फॉर्च्यून की 40 अंडर 40 की सूची में ईशा और आकाश अंबानी। अरबपति मुकेश अंबानी की बेटी ईशा और बेटे आकाश अंबानी को फॉर्च्यून की 40 अंडर 40 सूची में शामिल किया गया। सूची में दुनिया के ऐसे लोग को शामिल किया गया है जिन्होंने लोगों को प्रेरित किया है। बायजूस के संस्थापक बायजू रविंद्रन को भी इस सूची में जगह दी गई है। फॉर्च्यून मैगजीन ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण लोगों के काम करने के तरीके में आए बदलाव को दर्शाने के लिए मैगजीन ने इस बार 40 अंडर 40 सूची को व्यापक रूप दिया है। इसमें 5 क्षेत्रों में 40 साल से कम उम्र की प्रेरक हस्तियों को चुना गया है। क्षेत्र है फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स। टेक्नोलॉजी की सूची में ईशा, आकाश, बायजू रविंद्रन को जगह दी गई है। ब्राउन यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स में डिग्री लेने के बाद आकाश 2014 में रिलायंस को अपने पारिवारिक कारोबार से जुड़े थे। ईशा ने 1 साल बाद जिम्मेदारी संभाली थी। जियो के बोर्ड सदस्य के तौर पर दोनों ने हाल ही में फेसबुक के साथ $5.7 अरब के सौदे को अंतिम रूप देने में अहम भूमिका निभाई थी। रविंद्रन के बारे में फॉर्च्यून ने कहा कि उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि एक सफल ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी बनाना संभव है। 2011 में शुरुआत के बाद इस कंपनी ने $1 अरब करीब बहत्तर सौ करोड़ का फंड जुटाया है और इसका मूल्यांकन $10 अरब करीब 72,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है। भारत ने पेंगोंग झील के उत्तरी क्षेत्र में भी मजबूती की स्थिति। पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ के प्रयासों पर आक्रामक जवाबी रणनीति पर अपना रही भारतीय सेना ने पेंगोंग त्योस के दक्षिण किनारे की चोटी पर अपना कब्जा जमाने के बाद अब उसकी उत्तरी इलाके में भी अपनी स्थिति मजबूत बना ली है। भारत की बढ़ती
रणनीति से बौखलाए चीन किसी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेना को स्पेशल फोर्स के सैनिकों को पेंगोंग झील के उत्तरी इलाके में विशेष रूप से तैनात कर दिया गया है। स्पेशल फोर्स के सैनिकों ने LSE पर इस इलाके में चीनी सेना की किसी चालबाजी को रोकने की रणनीति के तहत अपनी पोजीशन को मजबूत बना लिया है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच चीन सीमा पर आक्रामक मोर्चेबंदी से उपजे हालात के चलते लगातार तीसरे दिन हुई ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत में कोई ठोस नतीजा नहीं आया। पबजी समेत 118 और चीनी ऐप पर लगाया गया प्रतिबंध। भारत ने चीन को सबक सिखाने के लिए फिर चला था। चीन को चौतरफा घेरने में जुटी सरकार ने 106 ऐप पर पाबंदी के बाद फिर से अन्य 118 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। इनमें पबजी जैसा बड़ा गेमिंग ऐप भी शामिल है जो किशोरों में काफ़ी लोकप्रिय है। दो दिन पहले चीन की ओर से सीमा फिर से आक्रामकता दिखाने और भारतीय सेना की ओर से हुए प्रतिकार के बाद यह फैसला लिया गया। चीन से टकराव बढ़ने के बाद अब तक भारत सरकार चीन से जुड़े 224 मोबाइल ऐप पर रोक लग चुकी है। इनमें कई क्लोन हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय की ओर से किए गए इस फैसले में जिन मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित किया गया है उनमें गेमिंग ऐप पबजी के अलावा वाइडू, वीचैट, लूडो वर्ल्ड, चेस रेस गेम इत्यादि है। इस दरअसल एक ऐप को प्रतिबंधित करने के बाद उसका क्लोन बाजार में आ जाता है। सरकार ने इसकी पड़ताल कर उसे भी प्रतिबंधित किया। मंत्रालय के मुताबिक सुरक्षा संरक्षा और भारतीय संप्रभुता के मद्देनज़र शामिल किया गया। केंद्र सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े सिविल सुधार को दी हरी झंडी। मोदी सरकार ने दुनिया को सबसे बड़े सिविल सुधार की हरी झंडी दे दी है। राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास के कार्यक्रम को मिशन कर्मयोगी नाम दिया है। इन सुधारों में सिविल सेवा कर्मचारियों को क्षमता से सतत विकास का मौका मिलेगा और सरकार को जरूरत के मुताबिक जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी मिल सकेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला अधिकारी तैयार करना इसका मुख्य लक्ष्य है। यह सरकारी सेवाओं के सुधार की दिशा में दूसरा बड़ा कदम है। पहले राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी गठित करके भर्ती प्रक्रिया सरल बनाई गई। अब कर्मचारियों की क्षमता के विकास का रास्ता तैयार किया गया है। वहीं कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है अभी तक सिविल सेवा के अधिकारी नियमों से बंधे होते थे। नए सुधारों से उन्हें पद की भूमिका के अनुरूप काम करने का मौका मिलेगा। इससे सरकार और जनता के बीच खाई पाटने में मदद मिलेगी। मिशन कर्मयोगी के शीर्ष पर PM की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री मानव संसाधन परिषद होगी जो इसकी निगरानी करेगी। कुछ केंद्रीय मंत्री, CM, विदेश विदेश के विशेषज्ञ सदस्य होंगे। परिषद की सत्ता के लिए क्षमता विकास आयोग बनेगा जो सालाना योजना बनाएगा।